गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा फोर्थ के लिए है। आपकी हिंदी की बुक का नाम है सुबोध। पाठ एक, पाठ का नाम है एक किरण। यह एक कविता है, मैं पढ़ रही हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नब से आई एक किरण, फूल फूल की मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से की अनुभूति कराने वाली है। सूरज के निकलते ही रेशम की तरह हँसती हुई आकाश से किरण आई है। आकाश मतलब आकाश कहाँ, सूरज कहाँ होता है? आकाश में। तो किरण तो सूरज से निकलती है ना, तो इसमें क्या बताया गया है, जब आकाश से जब सूरज से किरण निकलती है तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसको देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है, हम खुश होते हैं। आगे है, बड़ी ओस की थी कुछ बूंदें, झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उसमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। इसमें कवि कहता है कि ओस की बूंदें जब पत्तों पर पड़ती हैं तो सूरज की किरण जब निकलती है और उस पर पड़ती है तो ऐसा लग रहा है मानो दिया जल रहा हो। लाल लाल था लीसा सूरज, उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है, प्रातःकाल जब सूरज पूरब दिशा से निकलता है तो उसकी किरणें पीली होने के साथ सुनहरी भी होती हैं। किरणें पीली होने के कारण वह सोने के तारों की तरह दिखाई देती हैं। एक किरण से बदल गया जग, चिड़ियाँ गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। इसमें कवि कहता है कि जब सूरज की किरण निकलती है, जब सूरज उदय होता है तो सारा संसार जग जाता है, सारा संसार बदल जाता है। जग का बदल गया जग मतलब क्या है, सारा संसार जब पहले तो रात को सो रहे होते हैं, उसके बाद सूरज के उदय होने पर वह सारा संसार उठ जाता है। चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, हवा चलती है, पेड़ हिलने, हवा के कारण हवा पेड़ हिलने लगते हैं, तो सबको यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुई, नया नया मन ताज़ा जीवन, सबको लाई एक किरण। इसमें कवि कहता है, सूरज के उदय होते ही सवेरा हो जाता है और सभी लोग नींद को त्याग कर उठ जाते हैं। सभी लोग ताजगी अनुभव करते हैं और मन, सभी के मन नई उमंग से भर जाते हैं। बच्चों, ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया है। आप इस कविता को याद भी करेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।